कानपुर देहात जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र के बलहरा मऊ गांव में 3 दिन पूर्व हुए किशोरी के हत्याकांड में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आज फिर एक बार फिर किसान ने बयां कि आरोपी के पिता की हत्या की रात की दास्तान। उस बुजुर्ग का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी युवक के पिता दिनेश कटियार की हत्या कर शव आम के पेड़ से लटकाया गया है। वहीं बुजुर्ग ने बताया कि हम रात में अपने खेत में पानी लगाए थे, तभी कुछ ही दूरी से बचाव बचाव की आवाजें आ रही थी। वे आवाजें किसी और की ही नहीं बल्कि आरोपी युवक के पिता दिनेश कटियार की ही थी। हत्या की गई है, यहाँ से दो गाड़ियाँ आई हैं 3 बजे रात के। 3 बजे रात में इधर से गाड़ियाँ भी आई। तो उसकी हत्या की गई है, मतलब हत्या की गई है, कन्फर्म है कि हमें ऐसा लग रहा है। ऐसा मेरा अनुमान है मतलब सुबह गाँव में अनुमान लगता है। आप खेत में पानी लगाने आए ना? खेत में पानी लगाए थे। कब पानी लगा रहे थे, कितने बजे रात में? कल पूरी नाइट। तो रात में लगभग कितने बजे की घटना थी ये? लगभग घटना है वही लगभग 3 बजे। 3 बजे रात की घटना है। तो इधर से आवाज आ रही थी, केवल एक लोग की आवाज आ रही या और भी कुछ गुजरात चल रही थी? बाकी लोग जो गाड़ियाँ इधर से गाड़ियाँ भी आई थी, गाड़ियाँ इधर से आई है। तो मोटरसाइकिल थी, चार पहिया की गाड़ी इधर से, जिसमें लाइट नहीं चल रही थी, ऐसा आई है। मतलब लाइट बुझा के, क्या लगता है लाइट बुझा के आए थे जिन्होंने हत्या की? यूं मानो कि इतना कोहरा पड़ रहा था कि मतलब इतने दूर का आदमी नहीं दिखाई दे रहा हो। तो अच्छा, कोहरा तो है। मतलब आप अकेले पानी लगा रहे थे और भी कोई लोग पानी आपके साथ लगा रहे? कोई नहीं, मैं नहीं था, दो लड़के थे यहाँ। अच्छा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।